फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। ये वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने टीजीटी का एग्जाम जो है फिल किया है या जो आगे अपना टीजीटी का एग्जाम फिल करने वाले हैं। आपको पता है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीजीटी की 303 पोस्ट निकाली थी, तो ये आप वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपको बताया मैंने एक वीडियो पहले भी टीजीटी से रिलेटेड बनाई थी, लेकिन तब आपकी पोस्ट नहीं आई थी। अब इसको हम नए सिरे से मैं आपको बता देती हूँ कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आपको अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये वीडियो आपकी उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड रहने वाली है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और क्योंकि आपका भी डिफाइंड सिलेबस तो आया नहीं है, जब डिफाइंड सिलेबस आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, बट अभी आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से कर लेने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहने वाला है, सबका सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको आपके साथ में सिलेबस डिफाइन कर लेती हूँ, सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो 150 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर ही अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से आपका 50 मार्क्स का कॉमन सेक्शन रहेगा और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो अगर आप कॉमन सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आप अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लीजिए। जब तक कि सिलेबस नहीं आता है, आप अपना सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से कीजिए। अगर मान लीजिए टीजीटी का एग्जाम है तो आपको ग्रेजुएशन तक का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये आपके एग्जाम में अच्छा खासा लेवल रखता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मैथमेटिक्स से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक का मैथमेटिक्स भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसका लेवल जो होता है वो थोड़ा सही रहता है, बट DSSSB का जो लेवल है वो इससे थोड़ा हाई रहता है। तो चंडीगढ़ का एग्जाम का लेवल भी जो है वो बहुत बढ़िया ही देखने को मिलता है। और टीजीटी की बात हो रही है तो आपको अपनी तैयारी जो है उसी के अकॉर्डिंग करनी है, ये मत लगाकर चलिएगा कि आपका एग्जाम इजी आएगा। अगर हम अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं आपके कॉमन सिलेबस की, कॉमन सिलेबस सभी के एग्जाम में सेम रहने वाला है और ये 50 मार्क्स का रहेगा। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए थे कि टीजीटी पर वीडियो बना दीजिए, टीजीटी का सिलेबस बता दीजिए, टीजीटी का एग्जाम कब होगा ये बता दीजिए। तो मैंने सोचा एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ्स, ये तीनों ही मिलाकर आपके 12 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो इसमें आप ये लगाकर चल सकते हैं तीनों में से ही आपको 444 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के 3-4 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन और साथ साथ मैथ्स के आपके 3-4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत ज्यादा टेंशन की तो नीड नहीं है, बट इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपका टॉपिक होगा, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ जाना। जैसे जनवरी में रिपब्लिक डे रहा, अवार्ड्स रहा, अयोध्या मंदिर रहा, ठीक है, फरवरी में बजट रहा और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, उन सबको आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे इंडेक्स होते हैं, रैंकिंग्स होती है, ये ज्यादातर पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 4 मार्क्स रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेडेक किसमें नीड नहीं है, अगर इतना कर लेंगे तो सफिशियंट रहेगा। इसके बाद रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं, तो रीजनिंग मैथ में भी आपको ज्यादा हेडेक की नीड नहीं है। अगर मान लीजिए आपने पहले किसी अदर एग्जाम की तैयारी की है तो वो उसकी तैयारी में इसमें आपके यहाँ पर काम आ जाएगी और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बट उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर अब हम आईसीटी की बात करते हैं, आईसीटी और इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों ही आपके एग्जाम में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं कॉमन सेक्शन में। कॉमन सेक्शन की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आईसीटी आपका 12 मार्क्स का है और इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 12 मार्क्स का है। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप हमारे चैनल से कर लेंगे तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सारे टॉपिक्स मोस्ट ऑफ मैंने करा रखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। और अभी ना आपका ये सिलेबस टीजीटी का सिलेबस नहीं आया है, जैसे ही टीजीटी का सिलेबस आएगा जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको करा दूंगी। इसके अलावा आप जितनी क्लासेस है पहले वो देख लीजिए, बहुत ज्यादा क्लासेस भी नहीं है, 20-25 क्लासेस ही आपको देखने को मिलेंगी, तो आप पहले वो क्लासेस देख लीजिएगा। जैसे आपका सिलेबस आएगा कुछ ही न्यू टॉपिक्स उसमें ऐड होंगे, वो मैं आपको करा दूंगी।
आईसीटी की बात कर लेते हैं। आईसीटी के लिए मैं जितनी बार भी मैंने आपको बताया है, मैंने हमेशा लूसेंट को ही प्रेफर किया है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। तो मान लीजिए अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो पहले आप लूसेंट की बुक से अपनी बेसिक नॉलेज बना लीजिए और 2-3 दिन में ही वो बुक कंप्लीट हो जाती है। इतनी ईजी सी लैंग्वेज भी है, साथ साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। तो अगर मान लीजिए आप एक बार उन बेसिक क्वेश्चन को कर लेते हैं और उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे या फिर आप यूट्यूब का भी सोर्स ले सकते हैं, यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारे आईसीटी के टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। जैसे स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ था, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ था, उनका सिलेबस देखिएगा एक बार और आईसीटी में वहां कौन से टॉपिक दिए गए थे उनको कर देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम में ऐसा देखा गया आपका सिलेबस सेम ही रहा है। ठीक है, तो आप आईसीटी की यहां से तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया है, हमारे चैनल से कर लेना, बहुत यूजफुल रहेगा। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज जो है 14 मार्क्स की रहेगी, जिसमें से 5 मार्क्स हिंदी के, 5 मार्क्स इंग्लिश और 5 मार्क्स आपके, 4 मार्क्स आपके पंजाबी लैंग्वेज के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हिंदी मैं अपने चैनल पर आज से करा रही हूँ, तो हिंदी की आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, 5 मार्क्स का रहेगा और इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको देखने को मिलेंगे, कोई फालतू की बकवास देखने को नहीं मिलेगी, सारा एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश 5 मार्क्स की रहेगी, इसमें आप वोकैबुलरी कर सकते हैं, साथ साथ आइडम फ्रेजेस कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे नरेशंस के, एक्टिव पैसिव वॉइस के, क्योंकि इनमें से ज्यादा आता है, मोडाल्स के, ये सब कर लीजिएगा, या आर्टिकल्स भी कर सकते हैं, टेंस भी कर सकते हैं, ये ही कर लेंगे तो भी आपको देख लेना इनमें से ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इतना सफिशियंट रहेगा। पंजाबी लैंग्वेज की बात करते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज के लिए ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, 4 मार्क्स की आएगी, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसे अटेम्प्ट करना ही करना है। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो है आप उसका मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए किसी को आती भी है पंजाबी तो उसके वहां से ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज आपको ज्यादा टेंशन की इसमें नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाती है कॉमन सेक्शन की प्रिपरेशन, जो आपकी 50 मार्क्स की रहने वाली है, जो मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया है उतना ही कर लेंगे, सफिशियंट रहेगा, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। इसके बाद अगर हम मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं आज ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बताऊंगी, मेरा कि आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको ग्रेजुएशन तक का बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, अब यहां पर ये जो 100 मार्क्स है, पहले आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यही आपको जो है पास कराने वाले हैं। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉमन सेक्शन नहीं करेंगे, कॉमन सेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपका ये जो मेन सब्जेक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें आपके सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, ग्रेजुएशन तक की बुक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में ग्रेजुएशन, टीजीटी के एग्जाम में ग्रेजुएशन का तो आता ही आता है, साथ साथ कई बार आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छे से कर लेनी है कि आप अपने एग्जाम में 80 मार्क्स आराम से ला सके, तभी आप जाकर अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, और इसके साथ साथ कॉमन सेक्शन की तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट मैंने करा रखा है, बहुत ज्यादा टेंशन की कॉमन सेक्शन के लिए नहीं लेनी है टेंशन, क्योंकि बुक भी मैंने आपको प्रेफर कर दी है, इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स भी पढ़नी नहीं पड़ेंगी हिंदी इंग्लिश के लिए, क्योंकि 4-4, 5-5 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश है, जो आपकी कहीं से भी तैयार हो जाएगी, किसी भी टॉपिक को आप कहीं यूट्यूब से भी सर्च करके पढ़ लेंगे तो भी आपका इजिली कवर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अब टीचिंग एप्टीट्यूड है, और इसके साथ साथ जैसे आईसीटी, इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो वो मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप बता दीजिए कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई है। और इसके अलावा अगर आपके एग्जाम डेट की बात की जाए तो न्यूज़पेपर में इन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कि अप्रैल लास्ट तक ये सारी की सारी भर्तियां करा देंगे, तो आप ये लगाकर चलेगा कि आपका टीजीटी का एग्जाम भी जो है वो जल्दी हो जाएगा, बहुत लेट नहीं होगा। तो आपको अपना टीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन, अब तैयारी जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम बहुत आगे होगा, एग्जाम आपका बहुत जल्दी होगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे किसी और अपडेट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।